हेलो गाइस, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाला है फ्रेंड्स। अब आपके यूट्यूब पर भी टिकटॉक की तरह शॉर्ट वीडियो का फीचर्स इनेबल हो गया है, और इस फीचर्स को कैसे इनेबल करते हैं और शॉर्ट वीडियो को कैसे शूट करते हैं, हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताएंगे। और फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, साइड में बेल नोटिफिकेशन है ऑन कर लीजिए। इसी तरह हम आपके लिए टेक से रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा, तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, YouTube एप्लीकेशन को मैं ओपन कर लेता हूं, और ओपन करने के बाद फ्रेंड हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहां पे आप देख सकते हैं एक शॉर्ट वीडियो का फीचर देखने को मिल रहा है। अगर आपको इसको प्ले करना है तो चलिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं, और जब इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड इस तरीके से आप वीडियो को प्ले कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको इसको स्क्रॉल करना है तो इस तरीके से आप इसको एक एक करके स्क्रॉल करके प्ले करके आप देख सकते हैं फ्रेंड। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और यहाँ से आप डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पर कमेंट करना है तो यहाँ से आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो का अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो यहां से आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको रिपोर्ट करना है तो आप थ्री डॉट पे क्लिक करके आप वीडियो को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं अपने वीडियो को शॉर्ट वीडियो के फीचर्स में कैसे लाते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं प्लस का आइकन देखने को मिल रहा है, तो आपको प्लस के आइकन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए इस पे हम क्लिक कर देते हैं, और जब इस पे क्लिक करेंगे फ्रेंड यहां पे क्रिएट ए शॉर्ट वीडियो का फीचर्स देखने को मिल रहा है। अगर आपको ये फीचर देखने को नहीं मिल रहा है तो हम आपको लास्ट में बताऊंगा इस फीचर्स को कैसे इनेबल करते हैं। तो चलिए इस पे हम क्लिक कर देते हैं। सबसे पहले क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे हमारा कैमरा चालू हो जाएगा। ऊपर में ऐड म्यूजिक लिखा गया, आपको ऐड म्यूजिक पे क्लिक कर देना है, और जब आप इस पे क्लिक करेंगे फ्रेंड यहाँ पे म्यूजिक का लिस्ट आ जाएगा। आपको जो म्यूजिक पसंद है यहाँ से आपको म्यूजिक को सेलेक्ट कर लेना है। चलिए यहाँ से हम एक म्यूजिक को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। फर्स्ट वाले म्यूजिक को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू टिक दिख रहा है, तो आपको ब्लू टिक पर क्लिक कर देना है। चलिए हम ब्लू टिक पे क्लिक कर देते हैं, और जब इस पे क्लिक करेंगे फ्रेंड यहाँ पे हमारा म्यूजिक ऐड हो जाएगा। ऊपर में स्पीड का आइकन दिख रहा है, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ से वीडियो का स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइमर का आइकन दिख रहा है, तो आपको टाइमर के आइकन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर काउंट डाउन सेकेंड दिख रहा है, 3 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, आपको जो रखना है तो यहाँ से इस तरीके से रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वीडियो रिकॉर्ड होगा 15 सेकंड का रिकॉर्ड होगा, 15 सेकंड से ज़्यादा आप वीडियो को नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलिए इसको यहाँ से हटा देता हूँ। उसके बाद अगर आपको वीडियो को रिकॉर्ड करना है तो इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। इस तरीके से आप वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऊपर में आप देख सकते हैं अगर आपको वीडियो को रोकना है तो आपको इस पर फिर से क्लिक कर देना होगा। अगर आपको वीडियो को फिर से रीस्टार्ट करना है तो आपको फिर से दोबारा इस पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से आप वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं फ्रेंड। अगर आपको वीडियो को हटाना है तो यहाँ से वीडियो को आप हटा सकते हैं। उसके बाद चलिए हम यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट पे क्लिक कर दिए। दोबारा आपको फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा, तो नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर दिए। उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे टाइटल लिखना होगा। चलिए हम यहाँ पे टाइटल को एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे टाइटल मैं लिखता हूँ माई न्यू वीडियो। उसके बाद आपको एक हैश टैग लगाना है। यहाँ पर हैश टैग में लिखना होगा एक हैश, उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे शॉर्ट। चलिए यहाँ पे हम शॉर्ट लिख देते हैं, शॉर्ट्स। उसके बाद आपको अपलोड पे क्लिक करना होगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको लिख देना है टाइटल, और टाइटल पे लिखने के बाद फ्रेंड आपको अपलोड पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम अपलोड पे क्लिक कर देते हैं, और अपलोड पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे हमारा वीडियो अपलोड होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा वीडियो अपलोड होना शुरू हो गया है। इस तरीके से आप शॉर्ट वीडियो को अपलोड कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं इस फीचर्स को कैसे इनेबल करते हैं। सबसे पहले आपको YouTube के होम पेज पे आ जाना है। राइट साइड में चैनल का लोगो देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं, और जब इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड यहाँ पर लिखा गया है हेल्प एंड फीडबैक, आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर लिखा गया है सेंड फीडबैक, आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे आपको एक मैसेज टाइप करना होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं मैसेज क्या लिखना होगा। यहाँ पे लिखना है हाय यूट्यूब टीम, प्लीज़ इनेबल क्रिएट शॉर्ट वीडियो फीचर्स फॉर माय यूट्यूब चैनल, आई रिक्वेस्ट प्लीज़ इनेबल दिस फीचर्स, थैंक यू। डिस्क्रिप्शन में मैं इसको टाइप कर दिया हूँ, आप वहाँ से जाकर इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ से सेंड कर देना है, और जब आप सेंड करेंगे फ्रेंड अगले 24 घंटे के अंदर में आपका यूट्यूब का शॉर्ट वीडियो का फीचर्स इनेबल हो जाएगा। इस तरीके से आप शॉर्ट वीडियो का फीचर्स को इनेबल कर सकते हैं फ्रेंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कर दीजिए लाइक,
अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया, चैनल से आपको कुछ नॉलेज मिलता है, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और गाइस नीचे कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, मैं उसे भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा फ्रेंड। तो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।